देखते रहिए UVN08 ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ में राज्य महिला आयोग सदस्य श्रीमती सूर्या चौहान दो दिवसीय दौरे पर नरसिंहगढ़ आई। इस दौरान अलग अलग गतिविधियों में शामिल हुई। दूसरे दिन सिविल मेहताब अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया, जहां भर्ती कुपोषित बच्चों को देखा। उनके आग्रह पर उनके कहने पर हमने तुरंत आपको ये मांग की, तो हमें खुद भी लग रहा था कि हम नरसिंहगढ़ में जाकर वास्तव में आप लोगों का इतना स्नेह मिल जाएगा। मंच पर आपकी फारूक जी और रामायण जी पहली बार, आप बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कारों के साथ शिक्षा दीजिए। कभी कभी किसी चीज को लेकर मन बड़ा व्यथित होता है। महिला आयोग में हमें लगभग 1.5 साल हो गया काम करते करते, कई प्रकरण ऐसे आते हैं। पहली बार एक प्रकरण सतना का आया है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा उसे, एक अतिथि शिक्षक के ऊपर दुराचार का मामला। अरे शिक्षक को एक नई पीढ़ी एक नई पौध तैयार करते, उस व्यक्ति पर दुराचार का मामला, वो वास्तव में हुआ है, वो एक छोटी नाबालिग बच्ची को उठा के ले गया। तो ऐसी चीजें जब हमारे सामने आती तो मन बड़ा व्यथित होता है कि आदि अनादिकाल से जिसको गुरु का देवता का दर्जा दिया गया है, ईश्वर को भी, ईश्वर ने भी जन्म लिया तो ईश्वर को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी। बिना गुरु के कोई नहीं होता। हम भी आज आपके सामने खड़े हैं तो हमारे भी कोई ना कोई गुरु होंगे, हमने भी शिक्षा प्राप्त की है। तो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति करता है तो बिना गुरु के काम